हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अभी आप देख सकते हैं वीडियो का क्वालिटी जो है वो मुझे भी अच्छा लग रहा है, शायद ये इस वजह से क्योंकि अतुल भाई ने इसको HDR मोड पे कर दिया था, क्योंकि इसके पहले मैंने जितना वीडियो बनाया था उस सब में HDR मोड ऑन नहीं था, लेकिन अभी कर देने से शायद साफ दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप लोग बताइए पुराने वाले वीडियो कंपेरेटिवली। हम लोग अभी स्कूटी से घूम रहे हैं, स्कूटी जो कि है माइस्ट्रो एज, और हम लोग इससे गए थे स्टेशन, उसके बाद अभी जा रहे हैं घर, और घर जाएंगे फिर निकलेंगे, फिर कहीं घूमेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आज कहीं बाहर नहीं गए, दिन भर पूरा सो के बिता दिए। ऐसा क्यों पता नहीं, शायद नींद पूरा नहीं हुआ था क्योंकि रात में लेट से सोए थे और दिन में कुछ ज़्यादा ही सो लिए। तो अभी मौसम काफ़ी खुशनुमा हुआ था और हुआ है भी इनफैक्ट, क्योंकि अभी मैं छत पर बैठ कर ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे चाँद जो है बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो वो तो अभी दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने में बनाने के लिए टाइम लगता है। वो ले रहता है, मतलब कहने का मतलब ये था कि हम लोग कल निकलेंगे कहीं घूमने के लिए बाहर, छः दोस्त विथ हेक्टर, फ्रॉम हेक्टर, हेक्टर से, तो उसका वीडियो बना के डालेंगे, आप लोग देखिएगा। हो सकता है कि हम लोग अयोध्या भी जाएं राम मंदिर घूमने के लिए, उसका भी वीडियो आएगा शायद से अगले क्लिप में। हो सकता है आपको मेरे पीछे से आवाज़ आए कुछ गाने का, नहीं आना चाहिए क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ चल रहा है, लेकिन हमको आ रहा है। और अभी अचानक से आप देख रहे होंगे माइस्ट्रो एज से एक ही बार R15 पर शिफ्ट हो गए हैं, और इसका भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मतलब आगे का बॉडी देखने में बहुत प्यारा लगता है, इंगेज लगता है, लगता है कोई बड़ी गाड़ी है, कोई 1000 cc की, बट ये है 150 cc की R15, जो कि आप देख सकते हैं मेरी फेवरेट गाड़ी, क्योंकि इसका हैंडलिंग सबसे बेस्ट है और इसका चक्का आप कितना भी, इसमें तो ABS नहीं है मेरे वाले मॉडल में, लेकिन हम कितना भी तेज ब्रेक मार ले स्किट नहीं करता है, बहुत लाजवाब गाड़ी है। और आप लोग भी कमेंट करके बताइए आप लोग चलाएँ कि नहीं चलाएँ ये गाड़ी कभी। और ये वाला वर्जन है R15S जो कि मैंने अभी बताया वीडियो में एक, और वो वाला क्लिप मैंने ऐड करना भूल गया है, तो मैं अभी ऐड करूँगा। और ये वाला भाषा हमको बोलने में बहुत दिक्कत होता है, मैं तय वाला हमको समझ नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं, इससे अच्छा अपना भाषा बोलेंगे, आज के बाद नहीं बोलेंगे ये सब मैं तय हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगता है और ये वाला व्यू कैसा है, और इसमें HDR में सही में वीडियो अच्छा लग रहा है। इस गाड़ी पे भी व्लॉगिंग की जा सकती है क्योंकि इसका जो आगे का ये पूरा कंसोल आ रहा है ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, सामने आप देख सकते हैं प्यार फॉर एवर लव नेशनल फ्लैग। ये है मेरी आज की राइड द लेजेंड R15S, इसका सीट नीचे है इसलिए इसका नाम S है, नॉर्मल R15 जैसा नहीं है जो जिसका सीट ऊपर आता है, इसका सीट नीचे है इसलिए इसका नाम R15S है। क्या चाहिए, केक मिल गया और ले लो, कितना केक खाइएगा आप, ले लीजिए और लीजिए। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमेशा हम इसी रूम में आके लाइट एंड पार्ट इसलिए शूट करते हैं क्योंकि इस रूम में लाइट थोड़ा सा अच्छा है कंपेरेटिवली दूसरे वाले रूम से। तो मिला आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। और हाँ, कल से जाएंगे घूमने के लिए, तो कल से डालेंगे कुछ व्लॉगिंग टाइप का बढ़िया वीडियो, आज का वीडियो के लिए सॉरी, लेकिन फिर भी लाइक कर दीजिएगा सबको।